आइए मैं आज आपको भुना मटन बताती हूँ हम किस तरह से बनाएंगे। बहुत इजी रेसिपी है। इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए ये देखिए। हमारे पास आधा किलो मटन है, ये बोन के साथ है। ये हमारे पास प्याज है, चार बड़े प्याज कटे हुए, दो टमाटर कटे हुए, एक कटोरी धनिया की पत्ती कटी हुई, हरी मिर्च और लाल मिर्च पांच कटे हुए। आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें, लेकिन हाफ केजी में आप कम से कम पांच मिर्च डालें। ये हमारा 1.5 इंच अदरक कटे हुए, इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में। गार्निशिंग के लिए बादाम, आलमंड, भुना प्याज हमारा दो। ब्राउन कर लें हम प्याज इस तरह से, बहुत ज्यादा नहीं ब्राउन करना है। हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इसे हम प्याज को तेल में जो भुने थे, ये देखिए हमारे पास कुकर है, इस कुकर में हम ये देखिए इस तेल में प्याज भुने थे, उसी वो बचा हुआ तेल में ही हमें इसे बनाना है। सबसे पहले हम मटन को डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, ये प्याज, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, नमक भी स्वाद के अनुसार ही डालें। आधा चम्मच जीरा पाउडर, गोल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, ये धनिया की पत्ती थोड़े से हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें जरूरत के हिसाब से पानी डाल देंगे। इस कटोरी से आप 3 कटोरी पानी डाल दें। ये देखिए, इसे अब हम ढक करके इसमें गलने देंगे हम इसे मीडियम फ्लेम में। कम से कम इसे हम 10 मिनट से 15 मिनट इसे मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। आइए मटन चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा मटन तैयार हो गया है, गल चुका है, पानी भी सूख गया है। अगर आप मटन बनाए पानी अगर थोड़ा भी रह जाए तो उसे आप भून करके सुखा लीजिए। जैसे हमारा ये मटन भुना गोश्त है, ये देखिए इसे हम आसानी से बना सकते हैं। अब इसमें हम ये अपना काली मिर्च डाल देंगे, इसे और 1-2 मिनट इसी तरह चलाते हुए भून लेंगे। ये देखिए हमारा भुना गोश्त तैयार है। इसमें हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती से गार्निश कर देंगे। और ये हमारे पास बादाम है, ये
ये देखिए हमारा भुना गोश्त तैयार है। ये बहुत इजीली बन जाता है, आप इसे बनाइए, ट्राई कीजिए, खाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए और हमारा वीडियो देखना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मैं और भी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। थैंक यू।